लगे हुए हैं, इसलिए आप सभी लोगों को पहले तो बधाई। सारी बात है अमूमन हम लोग कई दिनों से करते आ रहे हैं और मंच पर जो वक्ता है वो अभी बोलेंगे, लेकिन मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूँ इसलिए दो तीन बातें उससे रिलेटेड करूँगा। एच एम सिंघवी साहब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो अपनी किताब में उनके तीन वॉल्यूम है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के, एक एक छः छः आठ आठ सौ पेज का वॉल्यूम है, और उसमें जो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन जहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो 150-150 से लेकर 200 पेज में डिस्कस किए गए हैं। यानी कि इतना उसका वैल्यू है कि फंडामेंटल राइट को एक प्रोविजन को समझाने के लिए वो 200 पेज लेते हैं। जिस फंडामेंटल राइट को डिसाइड करने में 11वीं शताब्दी तक मैग्ना कार्टा से शुरुआत होती है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट तक भी वो इशू पूरी तरह सेटल नहीं हो पाता है, और उस फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को चेंज करने के लिए उन्होंने मात्र 11.5 घंटे लिए। दरअसल उन 3% या 2.5% लोगों ने आपको अपनी ताकत का एहसास कराया है कि आप होंगे संख्या में ज्यादा बने रहे, लेकिन असली मेरिट रही हुई है। जिस लक्ष्य के साथ वो यहां आए थे, इस मुल्क को एक ब्राह्मणवादी उपनिवेश बनाने के लक्ष्य के साथ, वो ऐसे हर हाल में लेके रहे। आप भेज दीजिए यहां से 70-80-200-500 सांसद SC ST OBC, लेकिन उनकी एक गिनी चुनी संख्या ही काफी है आपके 200-300-400 सांसदों को। यह अंधेर का दौर चल रहा है साथियों, गरीबी को आधार बनाकर आज आरक्षण दिया जा रहा है। एक यही बगल से भी इनको ये गार्ड है, ये गेट खुल रहे हैं या पीछे स्वीपर होंगे, अभी बुला लीजिए और पूछ लीजिए कि 10 में से कितने लोग ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, भूमिहार हैं या क्या है, अभी इनको ऑडिट कर लेते हैं। मैं एहतियात से कह रहा हूं 10 में से 9 लोग दलित या पिछड़े होंगे, होंगे तो पूरे 10 के 10। तो इस जो बाबा साहेब जुटी हुई आई के साथ में आज जो छेड़छाड़ करके शुरुआत की गई है वो एक आगाज है, और बता दिया है उन लोगों ने कि उनकी फौजें निकल पड़ी हैं इस आईन को कुचलने के लिए। तो साथियों मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आप सभी से ये गुजारिश है कि इस अंधेरे के खिलाफ खड़े हों और साथ आए और लड़ाई को लड़े। जय भीम, जय पंडित। Thank you.